हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही टेस्टी सूजी और गेहूं के आटे से मालपुआ बनाऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल ही आसान तरीके से घर की चीज़ों से ही बनकर तैयार होगी। तो आधे कप सूजी ले लेंगे, ये बारीक वाली सूजी है। उसके बाद इसी कप से 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। तो 2 कप गेहूं का आटा लेंगे और 1 कप चीनी लेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा और ले सकते हैं, लेकिन 1 कप चीनी से बिल्कुल परफेक्ट अच्छा मीठा बनकर तैयार होगा। तो चीनी डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका अच्छा सा इसका घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पानी डाल देते हैं, पहले 1 कप पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद और पानी डालेंगे। तो 1 कप और पानी डालती हूँ, तो इसमें टोटल मिलाकर 3 कप पानी का यूज करूँगी। तो 1 कप और पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से, उसके बाद 1/2 कप डाली हूँ, लेकिन ये पूरा लग जाता है। तो 3 कप पूरा पानी का यूज कर ली हूँ। देखिए 3रे कप में अभी थोड़ा बचा हुआ है, लेकिन ये भी लगेगा लास्ट तक में, क्योंकि इतने में अच्छे से मिक्स करके उसके बाद ढककर इसको रेस्ट करने के लिए कम से कम 2-3 घंटे इसको छोड़ दें, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो अब इसे ढककर 2-3 घंटे के लिए बिल्कुल ढककर छोड़ दें, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। देखिए 3 घंटा हो गया है, उसके बाद इसे चेक कर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग अच्छे से फूल चुकी है सूजी हमारी। तो इसको एक बार इस तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये बैटर अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इससे अगर हम पुआ बनाएंगे तो बहुत ही मोटा मोटा बनेगा, इसलिए तो 1/2 कप पानी जो हमने रखा था उसको डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इससे पुआ बनाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। देख सकते हैं ये काले वाले बर्तन में जो है वो पतला घोल है और ये गाढ़ी है। तो अगर गाढ़ी वाले घोल से हम बनाएंगे तो पुआ हमारा मोटा बनेगा, और अगर पतले घोल से बनाएंगे तो पतला पतला और थोड़ा बड़ा बड़ा बनता है। तो सबसे पहले कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी हूँ, गैस ऑन कर ली हूँ। तो सबसे पहले गाढ़ी वाले घोल से आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि देखिए जब गाढ़ा घोल रहता है तो हमारा पुआ किस तरह का बनकर तैयार होगा। तो देखिए अगर गाढ़े घोल से बनाएंगे तो इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा, लेकिन ये बहुत ही खाने में सॉफ्ट लगता है। ये भी पुआ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मुलायम होता है। अगर किसी के दांत नहीं है वो भी इस पुए को अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट पुआ बनकर तैयार होता है। तो देखिए एक और इस तरह से दिखा रही हूँ, थोड़े मोटे वाले पुए। तो इस तरह से इसको अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए देखने में थोड़े मोटे मोटे हैं, लेकिन ये बहुत ही अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरे होते हैं। तो अगर आपको मोटे पुए बनाने हैं तो आप गाढ़े घोल से बनाएं, और अगर पतला बनाना है, देखिए ये है, इसका घोल पतला है। तो ये पतले वाले पुए थोड़े बड़े बड़े बनते हैं और बाहर से बिल्कुल कुरकुरी होती है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देखिए ये बड़े वाले पुए हैं, ये पतले घोल से बने हैं, तो इसलिए थोड़े पतले पतले बनेंगे और बिल्कुल कुरकुरा बनता है। तो इस तरह से इसको उलट पलट कर दोनों साइड से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद देखिए ये हो चुका है, तो अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से और भी पुए बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे बहुत ही टेस्टी पुए बनकर तैयार हैं। तो आप भी अपने घर पर इसी तरह से पुए बना सकते हैं, मीठे पुए बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो मैं और भी बनाकर रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद सर्व करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए इस तरह से मैं सर्व की हूँ, इसे मैं आलू सोयाबीन की सब्जी और रायते के साथ सर्व की हूँ। तो आप भी अपने घर पर बनाएं और
कमेंट कर जरूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।